ओके सो वेलकम टू डे टू, डे टू फ्रॉम चंद्रताल। सो अभी हम इधर से निकलेंगे, रात को बहुत ठंड हुआ था, इट्स लाइक फ्रीजिंग कोल्ड। हाँ तो अभी चलते हैं, नेक्स्ट स्टॉप प्रोबेबली समवेयर नियर काजा, लेट्स सी। इट्स फ्रीकिंग कोल्ड आउट है, 14,000 feet। ओके लेट्स गो। जय माता राम। ओके सो बेसिकली द रूट टिल काजा इज़ ऑलमोस्ट द सेम, इधर से 14 किलोमीटर हम लोगों को सेम ही जाना है और उसके बाद लेफ्ट लेके फिर काजा की तरफ। रोड एज यूजुअल ख़राब है, लेट्स रोल आउट। पानी है आगे, ज्यादा नहीं है। अरे तेरी ब्लैक आइस, ब्लैक आइस ही ब्लैक आइस देख के। तो यही रास्ते से हम वापस जाएंगे, वैसे कुछ दिखाने का तो है नहीं, तो जहाँ से नया कुछ देखने को मिलेगा मैं उधर से फिर से चालू कर दूंगा। नहीं तो कल ही यही रोड से आए थे, वही खड्डे वही सब कुछ, तो आज थोड़ा रोड पे कंसंट्रेशन कर लेता हूँ एंड कैच यू गाइस अप इन मे बी 14 किलोमीटर्स। चलो अरे भाई थोड़ा सा आगे जाके रुकते हैं, जहाँ पे थोड़ा जगह मिलेगा। आगे रोक ले क्या, रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो, थोड़ा बड़ा जगह दिखा तो रोक लो, टन से दूर रोकना ठीक है, इधर ही रोक लो रोक लो रोक लो ठीक है। ये फोटो खिंचाएंगे, पहले तुम अपना आईफोन निकालो मेरा खींच दो, मैं इधर ही हूँ। नेट और हम थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो खिंचाए, रील बनाने का कोशिश किए और फिर निकल पड़े हमारे नेक्स्ट स्टॉप के लिए। देखते कहीं ना कहीं तो स्टॉप लेते हुए जाएंगे, आज कुंजुम पास भी चढ़ना है तो मज़ा आएगा जर्नी में। बहुत ही सुंदर दिख रहे ऊपर वो स्नो कैप माउंटेंस ना, अमेजिंग। चलो ये नीचे वाला रास्ता बाताल की तरफ जाता है, ऊपर वाला रास्ता काजा, ऊपर वाला ऊपर ऊपर। चलो नीचे वाला रास्ता बाताल, ऊपर वाला रास्ता काजा कुंजुम पास, नाइस। अच्छा खासा ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं हम लोग, पहाड़ पहाड़ देख रहे हो, अभी सीधा सीधा आ चुका है। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे जस्ट पीछे हूँ। अच्छा खासा हम लोग चढ़ चुके हैं अभी, ये पहाड़ भी अभी तो सेम हाइट पे लग रहे हैं। सो फार सो गुड, लाइक अभी तक बाइक का ऑक्सीजन प्रॉब्लम नहीं हुआ, 14,000 feet के बहुत ऊपर हैं हम।
इधर एक्सट्रीम तेज़ हवा चल रहा है, बट ये ख़त्म होता है ऑफ रोड और इसके बाद तो दिख रहा है जन्नत ही दिख रहा है। बट देखते हैं, अभी तो चालू करेंगे, जाना है, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, निकलते हैं इधर से। हाँ, तो अभी हम लोग आ चुके हैं ब्लैक टॉप रोड पे और इधर से अब शायद रुकेंगे हम डायरेक्ट काजा है, या फिर काजा से पहले जो भी जगह पे ठीक ठाक लगेगा कि खाना पीना हो सकता है तो हम उधर ही रुक जाएंगे। लोसर 7 किलोमीटर में ही है तो लोसर भी रुक सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए तो रोड एकदम बटर स्मूथ। हाँ, यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि रोड बहुत ही पतला सा है। गधे या घोड़े पता नहीं, जो भी हो सही है। अरे इधर तो इतना सुंदर रोड बना के रखा है, उधर क्यों नहीं बनाया? जो भी हो, मज़ा आ रहा है। वापस से ये ले का फील आ रहा है एकदम। तो खास करके उमलेंगला का रोड भी ऐसा ही था, छोटू सा था और बहुत सही रोड था। वो एपिक, हो ये पूरा रिवर है, रिवर बेड है, बीच में से वो जा रहा है रिवर छोटू सा। उधर जहाँ पीछे रुका था उधर सिग्नल आ रहा था, मतलब एक डंडे दिखा रहा था, मैंने कॉल लगाने की कोशिश किया, नो नेटवर्क। तो अभी चलो लोसर जाके देखते हैं कॉल, अगर लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, चिट्ठी भेजेंगे हम चिट्ठी। बहुत ही सुंदर दिख रहा है इधर, मतलब खास करके ये रोड और पास के पहाड़। नाइस, ये इधर कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे क्या लोग? गाड़ी डाल के तो रखे, कर भी सकते हैं पता नहीं। पूरा रिवर बेड के पास एकदम, वो ऊपर से घूम घूम के हम नीचे तक आ गए। क्या रोड है, एकदम सीधा ऐसे ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। लोसर 2 किलोमीटर। नाइस, इससे थोड़ा आवाज आ रहा है ये वाइजर से, पता नहीं क्यों। नाइस रोड्स, अभी मिलते हैं लोसर जाके, चलो। ओके, सो ऑलमोस्ट वी हैव एंटर्ड लोसार। अभी इधर से देखना, इधर सामने एक चेक पोस्ट आएगा, वो चेक पोस्ट के बाद से ही मोबाइल के नेटवर्क आने लगते हैं, और उधर शायद अगर कुछ खाने का मिल जाए तो बहुत सही है, मतलब थोड़ा बहुत भूख तो लगा है। चाय भी मिलेगा तो भी चलेगा, कोई अब उतना डिमांड है नहीं। तो ये पीछे हम छोड़ रहे हैं लाहुल वैली और ये हम एंटर कर रहे हैं स्पीति वैली पे। चलो, बाइकर्स रुके हैं क्यों? व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, पूछ लेते हैं। एंट्री
नंबर बाइक नंबर। अरे वाह, पीछे से आ जाओ एंट्री करने। लड़का नंबर भूल गया मैं। कहाँ जाओ? हाँ 700। ये खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? कहते चंद्रा ढाबा, मैगी खाए और बाकी लोसर ऐसा ही कुछ है, कुछ कुछ ढाबा रेस्टोरेंट जैसा है। ये रहा मोबाइल नेटवर्क का टावर, तो बहुत सुंदर। और वो भी एक, हाँ दो टावर है, नेटवर्क अच्छा आ रहा था, पूरा फुल वीडियो कॉल किए। 1 2 3 3 टावर्स, नाइस। तो अभी निकलते चलते हैं काजा की तरफ। कैसे डाल के रखे? ऊपर शायद एक गोम्पा भी है ऊपर। चलते हैं देखते हैं, गोम्पा तो नहीं जाएंगे अभी, तो चलते हैं। हाँ अभी डायरेक्ट काजा चलते हैं। टोटल 147.7 किलोमीटर चला है अभी तक। चलो होटल वोटल कुछ बुक नहीं है, जाके देखते हैं होटल होमस्टे क्या मिलता है। हाँ ठीक ठाक पॉपुलेशन है इधर, मतलब घर तो दिख रहे होंगे लोग। ऑटम लीव्स गोल्डन, सब गोल्डन नीचे भी, नाइस। यक कुछ कुछ यक दिख रहे हैं नीचे। यक है गाय है, पता नहीं गाय है। हाँ अपने पूरा गोल्डन लीव्स, बहुत मस्त दिख रहा है ये। अगर रोड के दोनों तरफ से होता ना जैसा सीसू में है, और मस्त लगते। गोल्डन लिव्स, बैरन माउंटेन, मस्त। हाँ रेलगाड़ी जैसा आवाज़ आता है, मस्त लगता है रेलगाड़ी जैसा। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, सीधा रास्ता सीधा, और रास्ता बहुत ही सुंदर सा है। ये छोटा मोटा पैच तो रहता है, ये कहीं भी रहेगा, बट बहुत ज़्यादा सुंदर रास्ता। पवन खड़े होके हवा बहुत सुंदर लगता है, ऊपर जो खड़े हो जाओ ना अंदर, एकदम मानो एसी चल रहा है अंदर। तो लग रहा है कि पवन भाई घर जाके सबसे पहले हिमालयन ही बुक करेंगे, इसी के लिए आए थे, यही नज़ारे। पूरा वॉलपेपर लग रहा है, पता है वॉलपेपर के बीच में तुम हो। पूरा सीधा रास्ता, पूरा एकदम एकदम सीधा। हाँ बस ये उड़ने का चांसेस है कि पंछी बनू उड़ते फिर हो जाएगा फिर।
हानले का भी, हानले का बाप नहीं है, हानले का मिनी वर्जन है, हानले का तो छोड़ दो। तो हाँ उसमें बड़े बड़े ऊपर नीचे मतलब एकदम एकदम रोलर कोस्टर जैसा हानले में है, इसमें छोटा छोटा है। ओ क्या दिख रहा है, हियर वी आर एक्सपेक्टिंग सम अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक ऑन द रोड। ओ भाई भाई ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। ओके दैट वाज फाइन। इट फील्स लाइक हम कोई दूसरे प्लेनेट पे ही है, बताएं। कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों चलाए जा रहे हैं। उधर पूरा वो ब्लैक कलर का सैंड दिख रहा है पहाड़ के ऊपर से नीचे तक। नहीं नहीं वो कुछ उसके ऊपर छाया है, बट वो ब्लैक कलर का सैंड जैसा ही है जो ऊपर से नीचे तक। बहुत सही रोड देख रहे, बहुत सही। और ये सब फॉर्मेशन हुआ है जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा ना, ये सब विंड के वजह से ये रॉक का फॉर्मेशन हुआ है। ये रहा एकदम रिवर बेड तक पहुंच गए हम लोग, अभी फिर से चढ़ना है। उंगलियां भी ठंड पहुंच रही, चलो कोई ना। अच्छा ओह आगे देखो पूरा गोल्डन, पूरा गोल्डन। आगे शायद एक मॉनेस्ट्री होगा, इधर बहुत सारे मॉनेस्ट्री थे, खासकर स्पीति वैली में बहुत सारे मॉनेस्ट्री थे। नेक्स्ट लेवल पूरा पूरा गोल्डन। ओह SBI हंसा ब्रांच, चलो इधर भी ब्रांच है SBI के। I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Upar bhi us jagah pe wo bhi hawa ki wajah se wo rock carved hue hain। पूरा वैली गोल्डन होके रखा है यार। शिशु हो गया, अब शिशु जाके क्या फायदा। क्योटो क्योटो आएगा 1 किलोमीटर में। ओके सो दिस इज क्योटो। ओ बच्चों खेलने के लिए पार्क वार्क भी है, मस्त सा जगह है। हाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस बना के रखे ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट बने
और थोड़ा गर्मी में कुछ तो फूल पौधे जो भी सब्जी बना रहे वो बन जाए। ओहो क्या जगह है यार, मजा आ गया। कहाँ लाहौल वैली स्पीति, नेक्स्ट लेवल। काजा 12 किलोमीटर, हाँ शायद पीछे वाला बोर्ड देखो, राइट हैंड साइड पे देखो एक बार। ओ वो गोल्डन कलर का फॉर्मेशन विंड से बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। नीचे इधर थोड़ा ध्यान दे देता हूँ रोड पे। हाँ ऑब्वियस बात है कि इधर लोग रुकेंगे फ़ोटो खिंचाएंगे। आगे चलो वो सब लोग उधर ही रुके फ़ोटो खिंचाएंगे। अरे वापस आ जाएंगे, बहुत टाइम है आज। ओ भाई साहब नाइस, और आगे एक जगह है जहाँ पे रुक सकते हैं। दिख रहा है और एक जगह दिख गया मेरे को। इधर उधर सब जगह पे रोड, ये नेक्स्ट लेवल। ओहो कहाँ आ गए हम, मार्स जमी पड़ी है ऊपर पूरा। ये रहा बाइक, दूसरा वाला उधर, और इधर से नीचे क्या दिखता है। तो बेसिकली वो रास्ता चिचम विलेज की तरफ चला जाता है, ये वाला तो गाजा की तरफ जाता है। दोनों रास्ते से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल गो बाय दिस, विल कम बाय दैट वन। वो रहा स्पीति रिवर, नाइस। तो ये रहा किब्बड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एंट्री पॉइंट, आगे चिचम विलेज सब आगे है। उधर चिचम विलेज जाएंगे हम, कल ही जाएंगे, आज तो नहीं। आज नीचे चलते एकदम डायरेक्ट काजा पहुंचेंगे, क्योंकि होटल वोटल का भी देखना है थोड़ा क्या सीन है। नीचे और एक ब्रिज है जिसका नाम है ग्रामफू ब्रिज, अभी उधर जाके ही कैमरा ऑन करूँगा। उधर तो व्यू तो बहुत सही है, अल्टीमेट व्यूज। हाँ बस इधर इंजन ब्रेकिंग करते रहो और कुछ नहीं, बिंदास नीचे आ जाओगे एकदम स्मूथली। और व्यूज इतना आ रहे हैं कि कैमरा कब बंद करूँ कब चालू रखूँ। ये नीचे है ब्रिज, शायद यही है ग्रामफू ब्रिज। ये रहा, अल्टीमेट फॉर्मेशन, लामा इब्रू की याद दिला दी जिसका मैं बात कर रहा था। वही रॉक फॉर्मेशन हो जाते हैं ना, वही कॉनिकल शेप हवा के वजह से। तो अरे हवा के वजह से ही होता है, ये हवा के मूवमेंट के कारण ही ये फॉर्मेशन आता है, तो ऐसे बन जाते हैं। हाँ एक बार एक गिरा तो ख़त्म, राइट हैंड साइड से कुछ भी।
पूरा ग्रासलैंड आ गया अभी ऊपर, वो पूरा ग्रासलैंड। मैं उधर थार को लगा के मस्त लग रहा है, एक नंबर लग रहा है, एपिक। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था थार उधर से। अभी स्टार्ट हुआ है व्यूज, नरक क्रॉस करने के बाद ना स्वर्ग मिल चुका है, अभी यही है स्वर्ग। मतलब इधर तुम आसपास देख के चला सकते हो कि भाई उतना कुछ होगा नहीं उधर, भाई नजरें हटी दुर्घटना घटी। इधर ऑलमोस्ट सपाट हो चुका है पूरा प्लेन। पूरा स्वर्ग का रास्ता एकदम सीधा सीधा, एकदम स्वर्ग जैसा रास्ता। मतलब यही रास्ता लेके जाएगा शायद स्वर्ग। अल्टीमेट, एकदम अल्टीमेट व्यू सामने और ये रास्ता। कुछ रोड बनाए बीआरओ वालों ने, शायद ये बीआरओ का ही कंस्ट्रक्शन है, बट जो रोड बनाए इन लोगों ने, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। मस्त रास्ता एकदम। हॉर्न मारते हुए जाता हूँ, लोग आएंगे तो पता चल जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, पवन को आगे जाने देता हूँ, अच्छा सा व्यू लूँगा। पवन आगे जाओ। तो आप सुन ही सकते हो पवन का खुशी कैसा होता है। मतलब दिल्ली वालों का खुशी ऐसे ही आता है, दो गाली उसके बाद चिल्लाना। एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये? नहीं नहीं, लैंडस्लाइड प्रोन है। अल्टीमेट, वो हो। सतविंदर साहिल, अगर तुम दोनों देख रहे हो ना, दिस इज व्हाट यू मिस्ड। साहिल गोवा चला गया तू रशियंस के चक्कर में, और वो भी तेरे को मिलेंगे नहीं। हाँ आ जाता यार हम लोगों के साथ, मजा आ जाता। चल कोई ना, नेक्स्ट टाइम तेरे को डांस कर लेके जाएंगे तेरे पल्सर के साथ। पांगमो 4 किलोमीटर में पांगमो आएगा, और उससे पहले तो पूरा गोल्डन बन चुका है। स्लो करना, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। यस, सामने एक विलेज दिख रहा है पांगमो, होपफुली। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है इधर से, बहुत ही खूबसूरत। लेज जो पीछे से दिख रहा था, नाइस। अभी भी थोड़ा डिस्टेंस बाकी है काजा से, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के आसपास तो हो गई, या शायद उससे भी ऊपर। मोरंग आएगा 4 किलोमीटर में, मोरंग देखते हैं, चलते हैं। थोड़ा बहुत सिर पे दर्द होना भी चालू हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अल्टीट्यूड। डायमोक्स वायमोक्स कुछ लिए नहीं थे, ले लेना चाहिए था। ठीक है चलो कोई ना, मोरंग 3 किलोमीटर।
मज़ा आ जाता है स्ट्रेट सेक्शन में, थोड़ा खींच लेते हैं बिंदास, बट लेकिन करना नहीं चाहिए ये सब। कहाँ रुकना है ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ ब्रेक दबाना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा भी लेट हुआ तो गया, और सामने शायद वो की मोनेस्ट्री दिख रहा है, वो रहा। तो ये की मोनेस्ट्री हम इधर दो दिन तो रुकेंगे, तो दो दिनों में से कोई कल या फिर परसों कोई एक दिन हम तो आएंगे इधर ज़रूर। और ऊपर से एक थोड़ा सा ट्रेक जाता है, वो ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा गोम्पा जैसा दिख रहा है, उधर एक प्रेयर व्हील है, और उससे थोड़ा और आगे उधर एक स्पॉट है जहाँ से की मोनेस्ट्री का बेस्ट फोटोग्राफ आता है, तो हम उधर तक भी जाएंगे कल, कल या परसों। तो आज का दिन हम रखेंगे मोस्टली फॉर एक्लिमेटाइजेशन, क्योंकि हम लोगों का सर फट रहा है कभी कभी, मतलब बीच बीच में ऐसा दर्द हो रहा है कि चलाए नहीं जा रहे। तो ये रहा सुमलिंग विलेज। ओके, नेक्स्ट स्टॉप काजा। काजा इधर से है 16 किलोमीटर, तो वो भी पहुंच ही जाएंगे जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये ऊपर बुद्धा जी का स्टैचू, ये रहा रामविक, और ये स्कूल भी है इधर, नाइस। होटल भी है, होम स्टेज भी है, सब कुछ है। शायद लांगजा के बाद ये रंगरी की है जहाँ पे कुछ खाने वाने का कुछ मिल जाएगा। 8 किलोमीटर ही दूर है बस काजा से, तो काजा में अगर किसी को होटल वोटल ना मिले तो वो इधर आ सकते हैं, अगर हम लोगों को भी ना मिले तो हम इधर ही आएंगे। तो अभी देखते हैं, पवन तो उड़ाते हुए जा रहा है, पता नहीं क्यों, उसको शायद सुसु आया होगा, देखते हैं। तो इधर संभाल के चलाना सही है, क्योंकि कहीं भी आप उड़ सकते हो टक से, ऐसे करके उड़ोगे, और अगर हैंडल इधर उधर हुआ तो ऑलमोस्ट काजा आने से पहले अगर गिर जाओ, मतलब यार घर पे क्या बोलोगे, दोस्त लोगों को क्या बोलोगे, और ऊपर वाला वो भी क्या सोच रहे हो, यार इतना था क्या, काजा से 5 किलोमीटर पहले चिकना रोड पे गिर गया। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बस चलाते रहिए, और क्या, पहुँच ही गए काजा अब तो। ये रहा काजा, इधर मेरा फिर से गोप्रो ने धोखा दे दिया। और मैं कहना चाह रहा था कि नीचे जो स्पीति रिवर दिख रहा है वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये आगे ही काजा का मेन टाउन है, क्योंकि गोप्रो का कुछ पॉइंट आ नहीं रहा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा काजा टाउन और बाकी की जगह दिखाऊंगा।